हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे मोटो E3 पावर के बारे में और मैं आपको बताऊंगा तीन रीजंस जिसकी वजह से आप ये फोन लेना चाहेंगे या फिर तीन ऐसे रीजन जिसकी वजह से शायद आप ये फोन नहीं लेना चाहें। तो तीन रीजन जो हैं क्विकली मैं आपको बता देता हूं। पहला रीजन है कि इस फोन के अंदर आपको 5 इंच का 720p डिस्प्ले मिलता है जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है मोटो ई सीरीज के फोन्स के अंदर। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ा डिस्प्ले और हाई डेफिनेशन क्लैरिटी के साथ आपको वो। दूसरा रीजन जो है इस फोन को लेने का वो हो सकता है बैटरी। इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक बड़ी बैटरी है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी बैटरी इस बार मोटो ई सीरीज के मोटो E3 पावर में दी गई है। और तीसरा रीजन जो इस फोन को लेने का हो सकता है वो है दो। एक तो है कि इस फोन के अंदर आपको रैपिड चार्जिंग मिलती है, यानी कि इसकी जो 3500 mAh की बैटरी है वो फास्ट चार्ज हो सकती है। साथ ही साथ इस फोन की प्राइस जो है वो अच्छी रखी गई है, तकरीबन 8000 रुपए का ये फोन मिलेगा आपको मार्केट में। और अगर आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से लेंगे तो आप एक्सचेंज ऑफर में 1000 रुपए का मिनिमम डिस्काउंट जो है ले सकते हैं किसी भी और फोन को देके। तो एक तरह से देखा जाए तो 7000 रुपए का ये फोन आपको पड़ सकता है। तो ये थे रीजंस जो कि इसके फेवर में है जिसकी वजह से शायद आप मोटो E3 पावर को लेना चाहें। अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से शायद आप मोटो E3 पावर को नहीं लेना चाहें। पहला रीजन है हार्डवेयर। इसमें आपको एक वीक हार्डवेयर मिलता है जो कि इतना पावरफुल नहीं है। हालांकि और फोन्स अगर आप देखेंगे मार्केट में तो उनमें भी कुछ सिमिलर हार्डवेयर देखने को मिलता है। ये फोन कम्पीट करता है मोटो, ये फोन कम्पीट करता है कूलपैड मेगा के साथ। साथ ही साथ ये फोन कम्पीट करता है शाओमी रेडमी 3S के साथ। तो शाओमी रेडमी 3S में डेफिनेटली आपको बेटर हार्डवेयर मिलता है, जबकि कूलपैड मेगा में आपको सेम हार्डवेयर मिलता है जो कि मोटो E3 पावर में मिल रहा है। यानी कि मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें मिलता है आपको 1 GHz का, मीडियाटेक 6735P। तो ओवरऑल देखा जाए तो हार्डवेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल फोन नहीं है, यानी कि ये गेमर्स के लिए नहीं है और हैवी मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए डेफिनेटली ये फोन नहीं है। दूसरा रीजन जो इस फोन के लिए हो सकता है जिसकी वजह से शायद आप इसे ना लेना चाहें तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फोन में नहीं है, लेकिन ये पूरा फोन प्लास्टिक का है और ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में पुराने मोटो ई सीरीज के जो फोन्स अभी तक रहे हैं उससे ये फोन जो है थोड़ा कम आता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे ड्रॉप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। एक और चीज जो यहाँ पे है जो शायद आपको रोक दे इस फोन को लेने से कि ये पहला फोन है मीडियाटेक चिपसेट के साथ जो मोटो ई सीरीज में आया है। यानी कि मोटो ई के जो भी फोन आए हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मोटो ई मोटोरोला ने जो अब तक लॉन्च किए थे वो सब क्वालकॉम चिपसेट पे थे, जबकि ये पहला फोन मीडियाटेक के 6735P चिपसेट पे है जो कि 1 GHz का क्वाड कोर CPU है। तो हो सकता है कि आपके लिए ये रीजन बन जाए कि आप इस फोन को ना लेना चाहें। एक और रीजन जो हो सकता है जो शायद इसके फेवर में नहीं है वो है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। हालांकि 7000 रुपए की प्राइस में या 8000 रुपए की प्राइस तक में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको रेडमी 3S में एक बेटर हार्डवेयर के साथ, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए आपको खर्च करने होंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा फोन है मोटोरोला की तरफ से या फिर लिनोवो की तरफ से, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज इसमें की गए हैं और अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों ही इस फोन के बारे में हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।